नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वीटो लोशन से सफेद दाग से मिलेगा छुटकारा, स्किन की सभी बीमारियों से दिलाएगा निजात। वीटो लोशन अब आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। सिद्धार्थनगर जिले में प्रभारी मंत्री चेतन चौहान का आगमन विकास भवन सभागार में हुआ, जहां जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उनके साथ सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने यहां अधिकारियों से विभागों के कार्यों और समस्याओं की जानकारी हासिल की, जिसमें कई विभागों की कमियां नजर आईं। इस पर प्रभारी मंत्री चेतन चौहान ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने विभागों की कार्य प्रणाली को ठीक करें, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको समय से पूरा भी करें। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। इनके ऊपर कई मामलों को लेकर शिकायत सामने आने पर उन्हें एक मौका देते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी ही ये समस्या दूर करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मजे की बात तो ये है कि अधिकारियों को ये तक नहीं पता है कि विकास भवन में कितने विभाग संचालित हो रहे हैं। मन में विषय आपसे लगता है, इसके बारे में चर्चा हुई है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल हो, इनके बारे में चर्चा हुई है और उसकी लिस्ट बनाई जा रही है कि ऐसे कितने विद्यालय है जिले के अंदर जिनकी अवस्था ठीक नहीं है, जिनका जीवनधार होना आवश्यक है, जिनकी छतें लीक हो रही है या बाउंड्री वॉल नहीं है, चार दीवारी हो रही है या दीवारें गिर गई है, ऐसे विद्यालयों की सूची बन रही है और समय ऊपर दिया गया है बरसात शुरू होने से पहले उन सबकी रिपेयर हो जाए, जिससे कि बरसात जब होगी उसमें कोई भी घटना वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये चर्चा हुई है और यदि कार्य नहीं होता है तो फिर ऐसे जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो अधिकारी हो या दूसरे अधिकारी हैं, उनके